प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे के समय जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई है उसकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार को लेनी चाहिए। इस चूक से यह प्रतीत होता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, हमारा संघीय ढांचा है, और इसलिए उनकी सुरक्षा में चूक किसी के भी द्वारा हो ये बहुत ही निंदनीय है। सर, ऐसा लगता है कि सुरक्षा वो भी प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ा हुआ हो और इस पर राजनीति जायज है। कांग्रेस हमेशा कोई भी विषय रहे उसको हानि लाभ और राजनीति से जोड़कर देखती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, इसमें भी कांग्रेस की बदनीयति नजर आती है। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए। जिस तरह का वाकया पंजाब में हुआ है वो किसी व्यक्ति, और व्यक्ति ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी से नफरत करती है, ये जग जाहिर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाते उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जिम्मेदार कौन है? और बजाय जिम्मेदारी तय करने के, कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता उत्सव मना रहे हैं, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री पंजाब सरकार के वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वो कंफ्यूजन पैदा करने के बयान दे रहे हैं, ये निश्चित रूप से देश के और लोकतांत्रिक देश के, गणतांत्रिक देश के व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का कुछ से षड्यंत्र है। देश का प्रधानमंत्री, देश के 135 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, उसकी सुरक्षा में सैंध के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रचंड गति से आगे बढ़ रही है, आगामी चुनावों में अपनी हार को अवश्यंभावी मान करके पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन के तहत जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर के इस तरह का षड्यंत्र किया है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है, और देश की जनता इसके लिए न कांग्रेस पार्टी को कभी माफ करेगी और न पंजाब की सरकार को ही। मैं समझता हूं, और जहां तक मैं ये सब क्लिपिंग्स वगैरह टीवी में वगैरह देख रहा हूं तो मुझे लगता है एक कॉन्स्पिरेसी है, एक कॉन्स्पिरेसी हैच्ड बाय द कांग्रेस पार्टी एट द नेशनल लेवल विथ फुल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वो पहले समर्थन कर रहे थे जो कुछ भी हुआ, बाद में बोला कुछ सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ है, और थोड़ी देर के बाद बोला उधर लोग नहीं थे, लोगों को भी हमारा पूरा बसेस वगैरह बाहर खड़े कर दिया था, पुलिस को इंस्ट्रक्शन था स्टेट गवर्नमेंट से लोगों को उधर अलो नहीं करना, प्रधानमंत्री जी को अलो नहीं करना, ये सब एक व्यवस्थित प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष को कुछ थोड़ी तो भी शर्म है, तो इतने बरसों तक देश में राज किया है, देश का क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है।